हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे पीडीएफ फाइल में कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर या टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, वो भी बिना प्रिंटर के और बिना स्कैनर के। मतलब होता है क्या है कि बहुत सारे जन साइबर कैफ़े में जाके अपने जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं उनका पीडीएफ फाइल का जो होता है उसको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद मैन्युअली भरते हैं और वापस स्कैनर से स्कैन करके वापस वो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँ कि आज के डिजिटल दुनिया में ये तरीका आज के तारीख में गलत है, क्योंकि आप आज के इस टेक्निक में बिना प्रिंटर से प्रिंट निकाले, स्कैनर से स्कैन किए, वो जो जो आप पीडीएफ है डायरेक्टली ऑनलाइन भर के आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो उसको कैसे करने का, उसका सही तरीका क्या है, मैं भी आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। हाय, मेरा नाम गणेश है, वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल में, और गूगल में जाने के बाद आपको ये वाला जो है टाइप करना है। तो टाइप करने के बाद आपको ये smallpdf.com का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको, देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल में जाके आपको जो भी आपको जो फाइल है, ये देखो ये जो फाइल है आपको लेना है। देखो अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये फाइल के ऊपर देखो यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, और नीचे बहुत सारा टेक्स्ट भरना है, और नीचे जाके सिग्नेचर और डेट लिखना है। तो मैं अभी आपको आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये फ़ोटो लगाने के लिए आपसे सबसे पहले ये जो फ़ोटो का आइकॉन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखो ये फ़ोटो अभी देखो आ गया। तो ये थोड़ा फ़ोटो बड़ा है, आपको क्या करना है उसके साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके उसके ऊपर लगाना है। तो देखो फ़ोटो लगाना है, देखो फोटो लगा के होने के बाद देखो अभी आपको ये टेक्स्ट पूरा भरना है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये वीडियो में डेमो पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो अभी इसमें टेक्स्ट भरना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो इस पे जाऊँगा और देखो इस पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। तो आपको जो भी इसमें लिख सकते हैं, तो देखो ये मैंने ऐसा टेक्स्ट ऐड किया, आपको भी वो टेक्स्ट में ऐड करना है। अगर आप गलत है तो देखो ये इधर से जाके आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद ये मैं आपको जैसे पहले बताया ये सिर्फ मैं डेमो पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसी तरह से बाकी का भी भर सकते हैं। देखो अभी और अभी आपको मैं बताता हूँ प्लेस, प्लेस के लिए भी आपको सेम करना है, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट इधर डालना है। तो मैं प्लेस इधर पुणे डाल देता हूँ, पुणे, और डेट के लिए भी आपको वही टेक्निक फॉलो करना है। तो देखो आज का जो डेट है ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट लेके इसमें ऐड करना है। तो देखो अभी है सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर के लिए आपको क्या करना है, आपको देखो ये वाला लेना है, और लेने के बाद तो देखो इस तरह से आप सब कर सकते हैं। अभी देखो एप्लीकेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको क्या करना है, वापस इसी पे जाना है साइट पे, और साइट पे जाने के बाद यूज है देखो ये है, आपको इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। इसके हिसाब से एडजस्ट करके इधर रखना है, और रखने के बाद ये देखो आपको इसको एडिट करना है, तो मैं करता हूँ। तो देखो ये ऐसा होने के बाद आपको इसको सब होने के बाद पूरा भर के होने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये सिर्फ मैंने डेमो पर्पस के लिए बना के रखा हूँ, तो अब इस तरह से पूरा फॉर्म भर सकते हैं। और भरने के बाद अभी देखो आपको डाउनलोड के ऊपर जाना है और इसको डाउनलोड करना है। तो देखो ये डाउनलोड हो गया, अभी आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि ये हुआ कि नहीं। देखो मैंने जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको
मैंने ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए बनाया था, तो ये पूरा नहीं बना, लेकिन आपको जो भी फॉर्म है आपको पूरा भर के लेना है, और भर के होने के बाद देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, देखो। तो इस तरह से आपको बिना साइबर कैफ़े में जाए, बिना प्रिंटर और स्कैनर के भी आप घर बैठे बैठे कुछ मिनट के अंदर एक PDF में डेट, सिग्नेचर और फोटो बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।